हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट से, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, उसके क्वेश्चन वो सभी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज की आशा थी, किस चीज की उसे होप थी। आंसर है, लेंचो होप फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वॉज अ शार्प। लेंचो को किस चीज की जरूरत थी या किस चीज की आशा थी, बारिश की, क्योंकि जो उसकी जो पकी हुई फसल थी अब उसे केवल एक ही चीज की जरूरत थी। सारा काम लेंचो कर चुका था, उसे जरूरत थी केवल बारिश की। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ये वाली बात क्यों कही कि ये जो बारिश की जो बूंदे हैं ये सिंपल बारिश की बूंदे नहीं है, ये सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं, यानी पैसे हैं। क्यों कहता है वो इस वाली बात को, देख लेते हैं। लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी टू हार्वेस्ट, जो लेंचो की फसल थी वो लगभग तैयार थी, हार्वेस्ट के लिए रेडी थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग बेटर हार्वेस्ट, क्योंकि उन बारिश की बूंदों की वजह से वो जो हार्वेस्ट है, वो जो फसल है, वो काफी हद तक बहुत अच्छी हो जाती, अच्छी फसल उगती, रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। यहाँ प्रोस्पेरिटी का मतलब है समृद्धि, यानी कि भाई जाहिर सी बात है किसी भी किसान की अगर अच्छी फसल होगी तो उसे वो जाके वो मार्केट में बेचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, सिक्के मिलेंगे। सो लेंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन्स, इसलिए लेंचो उन्हें कंपेयर करता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये मेरे लिए पैसे बरस रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश बदल कैसे गई, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचोस के फील्ड को क्या हुआ। आंसर देखिए, द रेन वॉज पोरिंग डाउन, बारिश हो रही थी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। हुआ ये, पहले तो बारिश पड़ रही थी, भाई लेंचो बहुत खुश था कि चलो भाई बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया अपनी फसल होगी। लेकिन अचानक से क्या होता है, जबरदस्त तूफान आने लगता है, तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, और उसके साथ साथ क्या होने लगता है, ओले, हेल स्टोन्स का मतलब है यहाँ पे ओले पड़ने लगते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के जो होते हैं, और जिसकी वजह से ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड, और उन ओलों की वजह से, उन हेल स्टोन्स की वजह से जो पूरी की पूरी फसल होती है लेंचो की, वो बर्बाद हो जाती है। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टोन, जब जो ओले जो गिर रहे थे, यानी जो बारिश तूफान और ओले जो गिर रहे थे, जब वो ओले गिरना बंद हुए तब लेंचो की फीलिंग क्या थी, कैसा उसे फील हो रहा था। आफ्टर हेल स्टॉप लेंचो सोल फील्ड वॉज फील्ड विथ सैडनेस, जब ओले गिरने बंद हुए, जब वो अपने खेत में गया तो उसकी जो आत्मा है वो पूरी तरह से दुख में भर गई। दुख में क्यों भर गई, ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। भाई दुख में क्यों भर गई, क्योंकि जितनी भी जो फसल थी उसकी, जो उसने साल भर मेहनत करी थी, वो सब बर्बाद हो गई थी। तो वो अपना और अपनी जो फैमिली का जो फ्यूचर था वो क्या हो गया, अंधकार में था, पूरी तरह से खराब फ्यूचर देख रहा था। ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल में उसे पता था कि भाई अब हमें खाने की बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, हमें ठीक से खाना नहीं मिलेगा। देखिए एक वर्ड देखिए यहाँ पे, ये वाला जो वर्ड है LACK, इसे पढ़ते हैं लैक, और लैक का मतलब होता है कमी। ठीक है, आगे चलते हैं, हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू। लेंचो को फेथ का मतलब होता है विश्वास, किसमें विश्वास था और उसने क्या किया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग, और उसे ये था कि भगवान की आंखों से कोई भी चीज छिप नहीं सकती, भगवान हर चीज देखते हैं। इवन वॉट इज इन वंस कॉन्शियस, इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्शियस। देखो ये वाला जो वर्ड है CONSCINC, कुछ लोग इसे पढ़ते हैं कॉन्साइंस, लेकिन ये कॉन्साइंस नहीं होता, ये होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है अंतःकरण, जैसे कोई हम काम करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है ना कि ये काम अच्छा है या ये काम खराब है। तो उसे भगवान में पूरा विश्वास था, और उसे ये भी पता था कि भगवान की आंखों से कुछ भी नहीं छिपता, चाहे मनुष्य के अंदर जो चल रहा होता है, हमारे अंदर जो दिल में, दिल के अंदर जो हमारे मन मन में जो बातें चल रही होती हैं, वो भी भगवान जान लेते हैं। ही रॉट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड 100 पैसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। उसने भगवान को एक लेटर लिखा, ये और क्या लिखा कि भगवान मुझे 100 पैसोस की, जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं, रुपए चलते हैं, हो सकता है उनके यहाँ पे पैसों चलते हो, कि भगवान मुझे दोबारा से अपनी फसल बोने के लिए। यहाँ जो वर्ड आया है SOW, सो का मतलब होता है बोना, है ना, बीज बोना। तो भगवान मुझे अपनी फसल दोबारा से बोने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रेड द लेटर,
अब देखो आपको लग रहा होगा कुछ लोगों को कि मैं इसे रेड क्यों पढ़ रहा हूं, मैं इसे रीड क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में है। रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड और थर्ड फॉर्म होती है रेड, लेकिन खास बात यह है कि स्पेलिंग वही रहती है, तो इसे हम पढ़ते हैं रीड रेड रेड। लेटर को किसने पढ़ा? आंसर, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने फिर उसके बाद क्या किया लेटर पढ़ने के बाद? आंसर देखिए, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ, फर्स्ट पहले तो पोस्ट मास्टर को हंसी आई, बताओ यार ऐसे कौन से पागल हैं आज की दुनिया में कि बताओ भगवान को लेटर लिख रहे हैं यार। बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया। क्यों? ही वॉज डीपली मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड। और कहीं ना कहीं जो लेंचो ने जो लेटर लिखा था, जो राइटर ने जो लेटर लिखा था भगवान को, उसके प्रति वो इतना ज्यादा मतलब मूव हो गया, मतलब इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि देखो आज की दुनिया में भी किसी को भगवान पे इतना विश्वास है कि उसने भगवान को डायरेक्ट पत्र ही लिख दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, वो नहीं चाहता था कि भगवान में जो उसका जो विश्वास है, भगवान में जो उसका फेथ है, वो डगमगाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पैसा इकट्ठा करेगा और किसे भेज देगा? लेंचो को, ताकि लेंचो को क्या लगे कि ये पैसे मुझे भगवान ने ही भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो को कोई सरप्राइज हुआ, क्या उसे अजीब लगा कि भाई मेरे पास लेटर भी आ गया भगवान का और उसमें पैसे भी आ गए? आंसर, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इन साइड इट। लेंचो को 1% भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि अजीब सा कि यार भगवान ने मुझे पैसे भेज दिए। क्यों? His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. उसे भगवान में इतना ज्यादा विश्वास था, इतना ज्यादा confidence था कि उसे इस तरह के reply की पूरी तरह से उम्मीद थी। क्योंकि भाई अगर ना होता, अगर उसे विश्वास होता ही ना, तो वो लिखता ही क्यों? Answer देख, next question देखते हैं अब हम। What made him angry? ऐसा क्या हुआ जिस बात से जो लेंचो है वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया? आंसर देखिए, When he finished counting money, he found only 70 pesos, but he demanded 100 pesos. जब उसने वो लेटर जिसमें भगवान ने पैसे भेजे थे, जो एक्चुअल में किसने भेजे थे, पोस्ट मास्टर ने वहां पे कलेक्ट करके अपने दोस्तों से और वहां के एम्प्लॉय से पोस्ट ऑफिस के, जब उसने गिने तो यार उसने देखा यार ये तो 70 ही पैसोज है और मैंने तो यार भगवान से मांगे थे 100 पैसोज। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक नोर डिनाई हिम वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। और उसे क्या किस बात की उम्मीद थी? उसे ये था कि भगवान जो है, भाई भगवान को इंसान तो है नहीं और भगवान के पास पैसों की तो क्या कमी है, तो उसे ये था कि ना तो ही वॉज कॉन्फिडेंट कि ना तो भगवान से गलती हो सकती है और ना ही भगवान उसकी रिक्वेस्ट को टालेंगे कि भाई 100 की जगह 70 भेज देता हूं। देयरफोर ही कंक्लूडेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसों। इसलिए उसे ये लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, भगवान ने तो मुझे 100 के 100 पैसे भेजे होंगे, इन्होंने मेरे पैसे मार लिए हैं, यानी कि 100 भगवान ने 100 भेजे थे, 30 इन्होंने मेरे खा लिए, चुरा लिए। आगे चलते हैं। Why does Lencho have complete faith in God? Which sentence in the story tell you this? जो भगवान को, सॉरी, who does Lencho have complete faith? किसमें लेंचो को पूरी तरह से फेथ होता है और क्या विद कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें इस तरह की बात बताते हैं स्टोरी के अंदर? लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन, भगवान में पूरा विश्वास था। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट शो दिस आर एज फॉलोज, देखो कौन कौन से हैं। देखो एक तो ये वाली लाइन आई थी, जब अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। उस वैली के अंदर जो घर बना हुआ था उसमें जो लोग रहते थे, लेंचो और लेंचो की फैमिली, उन्हें एक ही चीज पे विश्वास था, वो था भगवान की हेल्प। और क्या था दूसरा सेंटेंस? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस। और उस पूरी रात, जिस रात ओले पड़े थे, पूरी रात लेंचो एक ही चीज सोचता रहा कि अब जो मुझे हेल्प आ सकती है वो केवल भगवान मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं और भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि जिस इंसान के कॉन्शियंस में, यानी अंतःकरण में भी जो चल रहा होता है वो पहचान लेते हैं, जान जाते हैं। गॉड ही रॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, ये ईश्वर अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस बार भूखे मर जाएंगे। ही रॉड टू गॉड ऑन एनवेलप put the letter inside and still troubled went to
टाउन, और उसने जब उसका कॉन्फिडेंस देखो भगवान में ऐसा था कि उसने लेटर भी लिख दिया और उसके ऊपर लिख दिया टू गॉड। तो इस तरह के ये मैं सारे सेंटेंसेस नहीं कर रहा क्योंकि ये एज इट इज लिखने हैं, याद नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा बस आपको समझने की जरूरत है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो को पैसा क्यों भेजता है और वो लेटर के ऊपर क्यों लिख देता है, एक वर्ड क्यों लिख देता है गॉड। पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज कंप्लीट फेथ इन द गॉड, सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो। वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है कि यार आज के टाइम में भी किसी को भगवान में इतना विश्वास है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो का विश्वास भगवान से उठने नहीं देगा और उसकी हेल्प करेगा उसे पैसे भेजकर। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द लेंचोज फेथ इन गॉड, और वो नहीं चाहता था कि भगवान के प्रति उसका जो विश्वास है वो बिल्कुल भी डगमगाए। सो ही साइन द लेटर गॉड। इट वॉज गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। और उसने जो लेटर भेजा, यानी पोस्ट मास्टर ने जो लेटर किसके लिए भेजा, लेंचो के लिए, उस पर केवल एक छोटा सा वर्ड लिखा, क्या लिख दिया, गॉड, ताकि लेंचो जब उस लेटर को रिसीव करे तो उसे वास्तव में ऐसा लगे कि ये खुद भगवान ने ही मेरे लिए भेजा है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट वॉट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई वाई नॉट। क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश करी कि ये जो पैसा है ये सचमुच में मुझे भगवान ने भेजा है या किसी और ने भेजा है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। आंसर देखिए, नो। लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड। नहीं, लेंचो ने कभी ये कोशिश नहीं करी कि ये जानने की ये पैसा भगवान ने भेजा है या किसी और ने भेजा है। उसका कारण ये था कि उसे भगवान में इतना ज्यादा विश्वास था, उसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था भगवान में कि उसे बिल्कुल भी 1% भी सस्पेक्ट नहीं हुआ कि ये पैसे भगवान ने नहीं किसी और ने भेजे हैं। हु कुड सेंड हिम द मनी, हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंड हिम द मनी। उसका जो भगवान में विश्वास था वो इतना अटूट विश्वास था कि उसने पूरी तरह से ये वाली बात मान ली कि ये जो पैसा है जिसमें 70 पैसे जब मुझे मिले हैं ये मुझे भगवान ने ही भेजे हैं। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो को क्या लगता है कि जो बचा हुआ पैसा था यानी बचे हुए जो 30 पैसे थे वो किसने ले लिया। आंसर देखो, इस देखो क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, रिमेंबर द आयरनी ऑफ, छोड़ो ये आपके लिए। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी, इट इज द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो। उसे ये लगता है कि जो मेरे जो पैसे हैं, जो बचे हुए पैसे थे, जो 30 पैसे, वो कौन खा गए हैं, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो लोगों ने मेरा पैसा चुरा लिया है। बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन दिस मनी, जबकि वो पैसा भेजा किसने था, खुद पोस्ट ऑफिस के लोगों ने भेजा था, लेकिन लेंचो को क्या लगता है कि उन लोगों ने ही मेरा पैसा चुरा लिया है। ही कॉल्स देम क्रूक्स, क्रूक्स का मतलब होता है क्रिमिनल, चोरी, तो उन्हें वो क्रिमिनल कहता है। दस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, कहीं ना कहीं एक आयरनी वाली सिचुएशन है। क्यों आयरनी वाली सिचुएशन है, कि बेचारे जो लोग हेल्प कर रहे हैं वो ही चोर वाली स्थिति में आ चुके हैं, जिन लोगों ने वास्तव में एक अच्छा नेक काम किया था उन्हें ही लेंचो बेचारा, मतलब या तो कह लो कि इतना ईमानदार था, भगवान में इतना विश्वास था कि वो उस चीज को नहीं समझ पाया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर है लेटर टू गॉड, जो कि चैप्टर 1 है आपका क्लास 10th का, आपको समझ आ गया होगा, आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे